सिंचाई शाखा के कर्मचारियों को सरकार द्वारा जारी बिना ब्याज के गेहूं का कर्ज न मिलने से परेशान कर्मचारियों ने सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए अल्टीमेटम दिया कि अगर समय रहते कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिला तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। मांग पूरी होने तक कर्मचारी अपना धरना जारी रखेंगे। आज इस एक्शन के सामने जो मोरवाड़ा ब्रांच का धरना है, ये इस अफसर की तानाशाही के खिलाफ है। पिछले दिनों जब फेस्टिवल एडवांस की वो बात आई तो भी इस अधिकारी ने यहाँ इनको वो नहीं दिलवाया, और आज जो 18,000 रुपये गेहूं के लिए जो सरकार कर्ज दे रही है बिना ब्याज का, वो 78 आदमियों ने फार्म भरे हुए हैं, परंतु ये अधिकारी ने तानाशाही रवैये अपनाते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इनको जब तक ये बिट लोन के पैसे नहीं मिल जाते तब तक ये धरना जारी रहेगा। इसी तरह पिछली बार धरना दिया गया था उसमें भी इस अधिकारी ने रिटर्न में समझौता किया था कि इसके जो सालाना वर्दी का वेतन है वो भी दे दिया जाएगा और जो साइडों पर जो दिक्कत है वो पूरी करवा दी जाएंगी, परंतु ये अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी पैसे की डिमांड पर जो कहता है कि वो पैसे मांगते हैं फलान मांगते हैं, ये इसकी जिम्मेवारी है, ये कैसे करवाए कैसे नहीं करवाए। कर्मचारियों हम कहना चाहते हैं हमारा कर्मचारी एक भी पैसा नहीं देगा और जो हमारा हक है वो हम अपना हक लेकर आएंगे। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ।